अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज यासिर रियाज। आज का हमारा लेक्चर क्लास 11th की बायोलॉजी में से है और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनका जनरल फार्मूला क्या है, इसको इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। सो व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या हैं। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन एंड फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नंबर वन, दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, के ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, हर सेल के अंदर, जो सेल के पार्ट्स हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नंबर सेकंड, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म स्ट्रक्चर, कि कार्बोहाइड्रेट क्या बनाती है, स्ट्रक्चर्स बनाती है, लाइक सेलुलोज ऑफ वुड, कि जो लकड़ी होती है, जो उसका सेलुलोज होता है उसे क्या कहते हैं, जो वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज ऑफ पेपर, कॉटन, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म बाय द कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करती है। नंबर थर्ड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ स्टोरेज कंपाउंड, कि बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर फूड को स्टोर करना हो तो कार्बोहाइड्रेट एज अ स्टोरेज कंपाउंड भी एक्ट करता है, इन केस ऑफ स्टार्च ग्लाइकोजन, कि एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर ये स्टोर होता है, ताकि जब जरूरत हो ऑर्गेनिज्म को कार्बोहाइड्रेट्स की तो इनकी ब्रेक डाउन होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को ग्लूकोज मिलता है और वो उसको यूटिलाइज करता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ स्टोरेज कंपाउंड, लाइक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होता है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन द सीरियल्स, कि जो सीरियल्स होते हैं, जो फूड, जो खाने वाली जो प्लांट्स होते हैं यूं समझ लें, या जो एज अ फूड के तौर पर यूज होते हैं सीरियल्स, जिसमें गंदुम हो गई, चावल हो गए, एटसेट्रा, दीज स्टार्च इज प्रेजेंट इन द सीरियल्स। रूट ट्यूबर्स में क्या है, रूट ट्यूबर्स में पोटैटो आ गए, इसकी फॉर्म में ये पाया जाता है स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द केन शुगर, केन शुगर के अंदर, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मिकदार में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। और नंबर फोर पॉइंट है, स्टार्च क्या रोल प्ले करते हैं, स्टार्च एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं, कि किसी चीज में कोई फंक्शन परफॉर्म करता है उसमें कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस एक फंक्शन, इसमें कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहे होते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसमें कार्बोहाइड्रेट एक रोल प्ले करते हैं। और स्ट्रक्चर्स के बनाने में भी, जैसा कि हमने ऊपर देखा, दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स लाइक सेलुलोज ऑफ वुड, पेपर एंड कॉटन, सो दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करती है। नंबर फाइव जो पॉइंट है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि वो अगर बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसमें एटीपी यूटिलाइज होते हैं और एटीपी प्रोड्यूस भी होते हैं, और वो कहां से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एटीपी कहां होते हैं, यूटिलाइज होते हैं
फर्दर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए, रेस्पिरेशन के टाइम। इसी तरीके से ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नंबर सिक्स जो पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड, दे फॉर्म सेल वॉल इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ये प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को बनाने में भी रोल प्ले करती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन, सो दिस आर द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट किस वजह से इंपॉर्टेंट है, कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि हमने देखा फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले तो ये मौजूद होती है, और फंक्शन कौन से परफॉर्म करते हैं, दे फॉर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाती है, स्टोरेज कंपाउंड, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट के हमने फंक्शन तो देख लिए, उसकी इंपॉर्टेंस भी देख ली है, कहां कहां यूज हो रही हो, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन होते हैं, विद मैनी हाइड्रोक्सिल, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। कि हाइड्रोलिसिस जब होती है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है सब यूनिट्स के अंदर। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स के अंदर जो ब्रेकडाउन होती है थ्रू हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हाइड्रोलिसिस क्या है, एक्चुअली हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की मौजूदगी में बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूटने के जो अमल होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट को एज अ हाइड्रेटेड भी कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन जैसे हम इसे कहते हैं। तो किस तरीके से, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, एज अ हाइड्रेटेड कार्बन भी लेते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन क्यों लेते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। और सेकंड बात कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है कार्बोहाइड्रेट के केस में वो सेम है का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो वाटर में है। अब कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशियो है, 2:1, ये है कार्बोहाइड्रेट के केस। और वाटर के केस में भी, वाटर के अंदर भी यही रेशियो मौजूद है। सो द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CxH2OY। अब यहां पे X किसको जाहिर कर रहा है, होल नंबर को जाहिर कर रहा है। अगर हम देखें तो इसमें इसका फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं C6H12O6, जो कि ग्लूकोज एज अ कार्बोहाइड्रेट के तौर पर यूज होता है। तो यहां पे जो X है ये प्रेजेंट कर रहा है होल नंबर को, और Y सेम नंबर्स को जाहिर कर रहा है या डिफरेंट पार्ट्स को भी ये जाहिर कर सकता है। तो इस केस में कितना, C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज का जो फार्मूला है, ग्लूकोज एज अ कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। यानी इन एक्स और वाई की जगह हम होल नंबर यूज करते हैं, ताकि अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके फॉर्मूले को, तो ये होल नंबर चेंज हो रहे होते हैं। जैसे ग्लूकोज के केस में C6H12O6 है, तो किसी और कार्बोहाइड्रेट के केस में इसका फार्मूला कुछ और होगा। सो इसी तरीके से सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, कौन से सोर्स हैं जिसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट हासिल होती है। एक्चुअली द कार्बोहाइड्रेट सोर्स आर ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स यूज होते हैं। और किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट। कि
जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तब कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन होती है और फिर इस कार्बोहाइड्रेट्स को एनिमल्स और प्लांट्स डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब लास्ट में है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सी टाइप्स हैं जिसकी वजह से उनको क्लासिफाइड करना पड़ा कि इस टाइप को हम इस ब्रांच के अंदर, इस क्लास के अंदर रख सकते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसे इस क्लास के अंदर रखना है, कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो उसको एक अलग क्लास के अंदर रखना है, यानी इनको क्लासिफाई किया गया डिफरेंट टाइप्स के अंदर। अब एक्चुअली द कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। और द वर्ड सैकराइड जो है वो कहां से ड्राइव किया गया है, सैकरम, द वर्ड सैकराइड इज ड्राइव फ्रॉम द सैकरम विच मींस शुगर, इसका क्या मतलब है, शुगर, यानी कि सैकराइड एक्ट एज अ यूनिट, एक्ट एज अ मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि इसको इसके बुनियाद पर हम क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, लाइक नंबर वन मोनोसैकेराइड, नंबर सेकंड ओलिगोसैकेराइड एंड नंबर थर्ड पॉलीसैकेराइड। सो ये आज का हमारा यहाँ पे ये लेक्चर फिनिश होता है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस को देखा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन कौन से परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी कि उसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को एज अ हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, उसकी क्या रीजन है कि कार्बोहाइड्रेट को एज अ हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाए, क्योंकि उसके अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और एक इंपॉर्टेंट जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से है कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो सेम होती है। तो हम इसमें कह सकते हैं इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज सेम, 2:1 और वाटर जो है उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल फार्मूला उसका क्या है, हमने ये स्टडी किया। फिर है कि सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है, वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं, और उसको क्लासिफाई, उसको सैकरॉन, व्हाट मींस सैकरॉन, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है, सैकरॉन्स मींस शुगर, एंड एक और जो यहां पे एमसीक्यूज किया जा सकता है, इनको कितनी क्लास के अंदर क्लासिफाई किया गया है, थ्री टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड।